बच्चों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स से वसूले जा रहे हैं 300 से 450 रुपए। दिल्ली के स्कूलों के 4,03,000 बच्चों का नहीं है खाता। खाता नहीं होने से 48% बच्चे मूलभूत अधिकारों से रह जाते हैं वंचित। दिल्ली नगर निगम MCD के विद्यालयों में बच्चों के बैंक अकाउंट खोलने के नाम पर उनके माता पिता से 300 से लेकर 450 रुपए की वसूली की जा रही है, जबकि यह पैसा उनके अकाउंट में भी नहीं जाएगा। यह आरोप जहांगीरपुर स्थित MCD के प्रतिभा कन्या विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिताओं ने लगाया है। पेरेंट्स का आरोप है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड दिल्ली का है उनसे 300 रुपए और जिनके आधार कार्ड दिल्ली से बाहर के हैं उनसे 450 रुपए वसूले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, स्कूल की मैडम ने कहा था कि बैंक में खाता खुलेगा, इसलिए अपने पिता या माँ को स्कूल लेकर आना है। पिता जब स्कूल पहुँचे तो आधार कार्ड फोटो समेत अन्य कागज लेने के साथ ही 450 रुपए भी लिए। उन्होंने कहा ये बैंक में खाता खोलने के लिए हैं। वहीं एक अन्य बच्चे की मां ने कहा कि उनसे 300 रुपए लिए गए, पैसे नहीं देने पर बच्चे का बैंक खाता नहीं खुल पाएगा। बच्चे की मां ने पूछा कि पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे या नहीं, जबकि बैंक अकाउंट में न आने के लिए मना किया गया। MCD ने कहा बच्चों के माता पिता से नहीं लिया जा सकता है कोई शुल्क।